हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रैक्टिकल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये जो वीट ब्लॉक जो है दवाई आती है जो सोयाबीन की फसल में चारे के लिए खरपतवार नाशक है इसका स्प्रे किया जाता है। ये देखिए ये वीट ब्लॉक है जो कि दोस्तों 900 रुपये लीटर मिलती है मार्केट में। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है, आपको मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा इसका स्प्रे कैसे करना है कितना लेना है। ये देखिए ये चीज़ें इसके अंदर, ये देखिए ये है इसमें दवाई है, ये चिपको है और ये वो अमोनियम सल्फेट है। ये देखिए तीनों चीज़ें हमको करना क्या है, जैसे हम इसका स्प्रे करते हैं तो इन तीनों चीज़ों को हम मिलाते हैं। ये देखिए इस पे लिखा हुआ भी है इस साइड ये कि हमें किस तरह से इसको मिलाना है, पहले दवाई डालनी है फिर अमोनियम सल्फेट डालना है और फिर चिपको डालना है, इन तीनों को भारी भारी से डालना है और जैसा इसमें दिया है उसी तरीके से इसको डालना है। नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो इसका घोल होता है ये फट जाता है जिससे दवाई क्या है कि एक जैसी नहीं रह पाती और वो इधर ऐसे मतलब हो जाती है ठीक से नहीं रहती। तो दोस्तों ये 900 रुपये का एक लीटर आती है वीट ब्लॉक और इसके साथ में एक ये डिब्बी डालना पड़ती है जो कि आप क्लोबिन क्यूरिन जो भी लाना चाहें वो ला सकते हैं। 150 रुपये की आती है, 150 की ये और 900 ये करके 1050 रुपये में पड़ती है ये और ये लगभग 7-8 बीघे में जाती है एक लीटर। रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, हमने पिछले साल भी इसका यूज़ किया था, इस साल भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये दोनों तरह की, वैसे तो दोनों तरह का चारा मारती है तीखी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों का, पर क्या है कि ये थोड़ा मतलब तीखी पत्ती वाले पे थोड़ा कम असर करती है। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि जो टर्का सुपर या एंजल दोनों में से कोई सी भी दवाई जो आती है आप उसका एक लीटर में 300-400 ml आप डाल दीजिए घोल के साथ, उसको भी डाल दीजिए तो जिससे क्या होगा कि जो तीखी पत्ती का जो चारा है वो भी सब बिल्कुल पूरा ख़त्म हो जाएगा जिससे इसका रिज़ल्ट और बढ़िया हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी दवाई है, रिज़ल्ट भी अच्छा है, बिल्कुल सस्ती सुंदर है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। दोस्तों मैं आगे जाकर आयरिस और जो आदामा का जो साकेत आता है आती है दवाई उसका भी रिव्यू करूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना।